हेलो स्टूडेंट्स कैसे हम सब लोग आशा करता दो का बच्चे होंगे आई एम नवीन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन डेप्स और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास टेंथ चैप्टर एग्जनोमेट्रिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो चलिए शुरू करते हैं देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस सीटा इक्वल टू एन तो हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे यहाँ मालूम है कि ए थीटा प्लस बी साइन थीटा जो है वो एम के इक्वल है इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं और दूसरी तरफ मैं ये लिख लेता हूं कि ए साइन थीटा थीटा जो है वो एनके इक्वल है तो इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने क्या करा इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया और ये मैंने लिख लिया है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है अब मैं क्या करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूं कि ए थीटा प्लस बी साइन थीटा जो है वो एम के इक्वल है तो यहां पर ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मैं दोनों तरफ इसके स्क्वायरिंग कर देता हूं अब जब स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां पर क्या होगा ए थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू एम का स्क्वायर यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम तो यहां पर हम लिखेंगे a cos थीटा का स्क्वायर प्लस बी sin थीटा का स्क्वायर प्लस टू ए बी का मतलब टू ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा इजिकल टू ये एम के एम स्क्वायर के बराबर है अब यहां पर जो स्क्वायर है वो ए पे भी माना जाएगा यानी कि ए स्क्वायर और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखा जाएगा इसी तरह से यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखा जाएगा यहां पर टू ए बी इसको इकट्ठा लिख लेता हूं टू ए बी और यहां पर कॉस थीटा और साइन थीटा इजिकल टू एम स्क्वायर के बराबर है अब जिस तरह से मैंने फर्स्ट इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया उसी तरह से मैं सेकंड इक्वेशन को लिख लेता हूँ पहले देखिए यहाँ सेकंड इक्वेशन है मेरे पास ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा जो है वो एन के इक्वल है ये सेकंड से लिया तो यहां पर भी मैं दोनों तरफ कर देता हूँ स्क्वायरिंग तो जब मैं यहां स्क्वायरिंग करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एन का स्क्वायर अब यहाँ पर ए साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी मतलब यहाँ पर बी कॉस थीटा हो गया और फिर आएगा माइनस टू ए बी टू ए की वैल्यू है यहाँ पर ए साइन थीटा और बी की वैल्यू है बी कॉस थीटा इजिकल टू एन स्क्वायर दरअसल इसमें हमने आइडेंटिटी ये लगाई है ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अब इसको हम जो स्क्वायर है दोनों पे लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर दो इक्वेशन तो मैं पहले मान चुका था इसको मैं थर्ड मान लेता हूं और ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है तो मैं ऐड करूँगा यहां पर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को तो देखिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा तो यहां पर देखिए ये लिखा है ए स्को ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले मैं ये लिख लेता हूं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फिर मैं ये लिख लेता हूं प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर से मैं लिख लेता हूँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर से लिख लेता हूँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आगे अगर हम देखें तो ये पूरा प्लस का है और ये पूरा माइनस का तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ऐड करेंगे तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है और आगे इधर से हमारे पास यहां से आ जाता है एम स्क्वायर और इधर से आ जाता है एन स्क्वायर अब देखिए यहां पर अगर हम इसमें देखें तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन है तो हम ए स्क्वायर यहाँ ले लेंगे यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर से रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब इन दोनों में से देखें दोनों टर्म में से तो बी स्क्वायर मेरे पास कॉमन है तो यहाँ पर बी स्क्वायर स्क्वायर लिखना भूल गया यहाँ पर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अब जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वन के इक्वल होता है तो यानी कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई वन इधर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी वन के इक्वल लिख दिया मैंने इजिकल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ बराबर हो गया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमें यहां प्रूव करना था देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल है तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पहले से अपलोड हैं इस चैनल पर तो आप जाकर देख सकते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन नई क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए गुड बाय